फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका वीक भी बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो आज एक्चुअली मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। आज कुछ नेल्स रिलेटेड नहीं है या कोई ब्लॉग नहीं है, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्यूटी टिप्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इस चैनल पर ऐसा कुछ शेयर पहले किया नहीं है, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं ऐसा कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो यस, आज वो दिन आ चुका है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ समर के ऊपर फेस मास्क, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी से बहुत ही पसीना आता है। हमारे पोर्स होते हैं यहाँ पे और चिन पे, तो उनमें काफ़ी ऑयल इकट्ठा हो जाता है और उसमें काफ़ी डर्ट आ जाता है। तो उसको कैसे क्लीन करना है, उसको कैसे बाहर निकालना है जिससे आपको पिंपल्स ना आए फेस पे, क्योंकि वही एक डर रहता है गर्मियों में। गर्मी की वजह से आपको पिंपल्स एकदम से आने लग जाते हैं। तो जो मास्क मैंने बनाया है, इससे जो आपकी स्किन है वो बहुत ही आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि समर के लिए मैंने बनाया है तो ठंडा ही मास्क होना चाहिए। और इससे आपको ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ही साफ़ हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी, डीप क्लीनिंग करेगा ये। और जब स्किन क्लीन रहेगी तो फिर ग्लो भी करेगी और ब्राइट भी होगी, तो इस वजह से आपको कोई भी पिंपल्स नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये मास्क पसंद आए और आप इसको घर में ट्राई करें। तो चलिए अब मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स अब दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो गाइस, हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए फेस मास्क बनाने के लिए, जो कि हमारे फेस को ठंडा रखेगा इन गर्मियों में, और जो हमारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको वो खोल देगा और उनमें कोई भी ऑयल या कोई भी डर्ट नहीं रहने देगा, उसको भी साफ़ कर देगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, से जो आपके पोर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे और जो भी उनमें ऑयल है या भी जो भी मिट्टी आ जाती है उसे ये निकाल देता है। खीरा आपको पता ही है कि बहुत ठंडा रहता है, और एलोवेरा जेल काफ़ी ठंडा रखता है आपके फेस को, और रोज़ वाटर से आपकी जो स्किन है वो इवन रहेगी, स्किन टोन जो है आपका इवन रहता है। आपको आप टोनर की जैसे भी यूज़ करते हैं, पर मैं इसकी मदद से इन सबको मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए, अब ज़्यादा डिले ना करते हुए इन सबको मैं मिलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल जो फेस मास्क रेडी होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस खीरे को ग्रेट करती हूँ अच्छे से और इसका जूस निकाल देती हूँ। इसको प्रेस करके जो है साइड में इसका जूस निकाल दूंगी और ये हम ऐड करने वाले हैं हमारे फेस मास्क में। तो अब मैं एक नया बोल लूंगी और इसमें मैं डालने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो कि मुझे सिर्फ चाहिए 2 स्पून, जो कि बहुत होगा हमारे फेस के लिए। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ एलोवेरा जेल, जो कि हमें 2 स्पून एलोवेरा जेल चाहिए। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गुलाब जल 2 स्पून। ये जो मैंने खीरे का जूस बनाया है ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एक्चुअली इससे। तो चलिए अब मैं इसको लगाती हूँ अपने फेस पे। ओके गाइस, तो अब बारी आ गई है कि मैं इस मास्क को अपने फेस पे लगाऊं। तो चलिए फिर मैं लगाती हूँ इसे अपने फेस पे। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हाथ ख़राब ना हो, लेकिन मैं अभी तो अपने हाथ ही यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इनसे ही फेस मास्क लगा रही हूँ अपने फेस पे। तो ये आप देख सकते हैं मेरा मास्क रेडी हो गया है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको जो है अपना आई एरिया और लिप एरिया को टच बिल्कुल नहीं करना है, उसके ऊपर ही आपको ये मास्क लगाना है।
जब आप इसको लगाएंगे तो आपको ऑलरेडी इतना ठंडा फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा इसको लगाते टाइम। जब आप मास्क लगाएं तो आप नेक को भी कवर करें इस तरह। ओके फ्रेंड्स, तो मास्क मेरा लग चुका है और अब मैं वेट करूंगी 30 मिनट्स। तो ये जो पूरा ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्राई होने के बाद कैसा लगता है। तो प्लीज डरिएगा मत और बने रहिएगा मेरे साथ। सो गाइस, मेरा मास्क काफी हद तक ड्राई हो चुका है, आधा घंटा हो गया है और मैं अभी अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो मास्क है उसने मेरी स्किन बहुत टाइट कर रखी है, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लोज़अप, तो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है और यहाँ पे थोड़ा बहुत रहता है लेकिन ये गीला नहीं है, ये ड्राई ही हो गया है। बस ऐसा कलर आना बाकी है अभी इसमें, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि अंदर से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने शायद एक्स्ट्रा लगा दिया है तो वो ऊपर से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो चलिए मैं अभी जाती हूँ और फटाफट इसको वॉश करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करके और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा बहुत जो है रेडनेस है, जो कि बहुत ही कॉमन है फेस मास्क लगाने के बाद, क्योंकि आपकी जो स्किन है वह खिंचती है, तो इस वजह से जब आप वॉश करते हो तो थोड़ा रेडनेस आ जाती है, पर वो चली जाएगी टाइम के बाद। तो मैं ऑलरेडी फील कर सकती हूँ कि बहुत ही क्लीन हो गए हैं मेरे पोर्स और मेरी जो स्किन है काफ़ी ग्लो कर रही है, ब्राइट हो गई है, पहले से बहुत ही डिफरेंस है मेरा, तो मैं ये देख सकती हूँ। और ये हर बार होता है, मैं जब भी ये मास्क लगाती हूँ तो मुझे हर बार ऐसा ही रिज़ल्ट मिलता है। लास्ट स्टेप जो है वो है मॉइस्चराइज करना आपके फेस को, तो मैंने ले ली है क्रीम और मैं बस थोड़ा फेस मॉइस्चराइज करने वाली हूँ। ओके, तो मॉइस्चराइज भी हो चुका है और अब मेरी जो स्किन है बहुत ही अच्छी लग रही है, ग्लो कर रही है और काफ़ी क्लीन लग रही है। तो गाइस, आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही है एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर इतना सा भी लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपने ये मास्क कभी ट्राई किया है या आप करने वाले हैं इस वीडियो के बाद, और आप उसका क्या रिज़ल्ट आया है आप पे, तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और आपको पता है कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, एक वही ज़रिया है जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।